संसद को संबोधित किया तो पूरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। लेकिन ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। वो द्रौपदी जी का अपमान नहीं, ये मेरे प्यारे उड़ीसा का भी अपमान था। साथियों, आज भाजपा सरकार राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान को निरंतर आगे ला रहा है। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। आदिवासी जनजातियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, जिन्हें पीवीटीजी कहते हैं, उनकी भी पहली बार किसी ने सूद ली है तो वो भाजपा सरकार है। इन जनजातियों के लिए पहली बार हजारों करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना बनाई गई। इसका सबसे अधिक फायदा ओडिशा के करीब 1700 कबीलों के लाखों साथियों को होने वाला है। इससे इन बस्तियों में अच्छे घर बनेंगे, सड़कें पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, रोजगार के साधन बनेंगे। इस क्षेत्र के देवगढ़ के जो पावड़ी भूया बहन भाई हैं, उन्हें भी जनमन अभियान से बहुत मदद मिलने जा रही है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है, गरीबों की चिंता को कम करने वाली सरकार है। हम आज गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। ओडिशा के 3.25 करोड़ साथियों को आने वाले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर भोजन बनता रहे, इसकी गारंटी मोदी ने दी है। मोदी ने एक और काम भी किया है, ओडिशा के जो साथी काम के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं उनके परेशानी को भी समझा है। और मेरे गुजरात में तो बहुत बड़ी तादाद में मेरे उड़िया भाई बहन रहते हैं। गुजरात के विकास में मेरे उड़िया भाई बहन गुजरात में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और इसलिए मैं उनके जीवन को, बाहर रहने के कारण जो आवश्यकताएं होती है, इनको भलीभांति जानता हूं। पहले उन्हें दूसरे राज्यों में सरकारी राशन नहीं मिल पाता था, यह बना रोशन राशन कार्ड दूसरे राज्यों में नहीं चलता था। मोदी एक देश एक राशन कार्ड योजना लेकर आया, आज ओडिशा का कोई भी साथी देश के किसी भी राज्य में मुफ्त राशन का लाभ ले सकता है। मेरे परिवारजनों, बीजेपी की केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी पहचान नए भारत के निर्माण की रही है। इस वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। 10 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम का बजट रहता था। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले साल में रोड, रेल, हवाई अड्डे, मेट्रो, बिजली, गैस, ऐसे हर प्रोजेक्ट का बहुत विस्तार होगा। इससे लाखों नए रोजगार भी बनेंगे।